वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरा सिंधिया आज ग्वालियर आए। बड़ी संख्या में भाजपा नेता उन्हें यहाँ रिसीव करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यहाँ मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि पीएम मोदी के नाम और सीएम शिवराज सिंह के काम की बदौलत प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एयरपोर्ट, हवाई अड्डा और एलिवेटेड रोड सहित जो विकास कार्य हो रहे हैं, क्या वे संभव हो पाते। डबल इंजन की सरकार में ग्वालियर, चंबा सहित पूरे प्रदेश में तीव्र गति से विकास कार्य हो रहे हैं और ये इसलिए संभव है क्योंकि भाजपा सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। वहीं उन्होंने कोलारस विधायक बीरेंद्र सिंह के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के सवाल पर कहा कि आवागमन चलता रहता है। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर अपनी दादी और खुद के द्वारा मूल और सिद्धांतों के लिए सरकारें बदलने के घटनाक्रम पर जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरा सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में निर्माण अधीन हवाई अड्डा का इस साल आखिर तक लोकार्पण कर दिया जाएगा और हम इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करें। मेरी कोशिश है कि इसी वर्ष के अंत के पहले इसका पूर्ण समर्पण भाव के साथ जनता के लिए इस एयरपोर्ट को समर्पित करें और उसी टारगेट के तहत हम लोग चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तीव्र गति से कार्य भी हो रहा है। वीरेंद्र कुमार जी ने पार्टी छोड़ दी है। जैसे मैंने आपको सदैव कहा है, चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। जो परिवर्तन हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल एक बार पहले, जब मेरी आजियम्मा ने सीख सिखाया था बीपी मिश्रा जी की सरकार को सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर, और उसी इतिहास जिस कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी इस मध्य प्रदेश की हर जनता के हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, और भ्रष्टाचार का आलम अपने 15 महीनों की सरकार में ही, ये कोई साधारण बात नहीं है कि कैबिनेट के 6 मंत्री कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र दें 15 महीने बाद। साधारण तौर पर हम लोग देखते हैं कि चुनाव के 6 महीने या 2 महीने पहले त्याग पत्र दिया जाता है, जैसे जो प्रक्रिया हम अभी देख रहे हैं। पर जिन लोगों ने अपने मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसी सरकार को स्थापित की मध्य प्रदेश में, और उसका फल आज मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये एयरपोर्ट संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या एलिवेटेड रोड संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल संभव होता? आज ग्वालियर और पूर्ण चंबल संभाग और पूर्ण मध्य प्रदेश का जो विकास हो रहा है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो महिलाओं के खातों में 1000 रुपए और अब 1250 रुपए पहुंच रहे हैं, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या संभव होता? वादा देना बहुत आसान है पर उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल, और खड़े उतरने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में करके दिखाया। और जो आवागमन हो रहा है वो होता है चुनाव के समय, हर व्यक्ति का स्वतः का अधिकार है कि वो अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे, और यही तो लोकतंत्र है। हम पूर्ण रूप से लगे हुए, यात्राओं की भी शुरुआत होगी अगले हफ्ते से मध्य प्रदेश के एक एक कोने से, इसके समापन में स्वयं प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे, इसकी शुरुआत में गृह मंत्री नड्डा साहब, गडकरी साहब, राजनाथ सिंह जी स्वयं उपस्थित होंगे,
मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति और जन जन की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हमारा इतिहास यही दिखाता है, चाहे सिंचाई के साधन देखो आप, चाहे सड़कों का साधन देखो, चाहे ऊर्जा का साधन देखो, चाहे अस्पताल के बिस्तर देखो, चाहे किसान सम्मान निधि देखो, चाहे महिला सशक्तिकरण देखो, इसी राह पर भाजपा ने जो कहा है वो भाजपा ने करके दिखाया। और आज जनता के दिलों में स्थान भारतीय जनता पार्टी ने पाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2023 और 2024 दोनों के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में शिवराज सिंह जी के काम पर और प्रधानमंत्री जी के नाम पर स्थापित होगी।